जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आपको पता है गुरुजी हमारी लाइफ में कितने मिरेकल्स करते हैं, हमें कितना कुछ सिखाते हैं। इसी पर अंकल जी के छोटे छोटे सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने बहुत प्यारे प्यारी बातें बताई हैं, बहुत प्यारे प्यारे सत्संग शेयर करे हैं, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो चलिए अंकल जी के सत्संग सुनते हैं। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं फरीदाबाद हरियाणा से, ये मेरे प्यारे गुरु महाराज जी का शुक्राना सत्संग है। और सत्संग, प्यारी संगत जी, थोड़ा सा लंबा हो सकता है मेरा सत्संग, सत्संग बोलते समय, रिकॉर्ड करते समय कोई गलती हो जाए, कोई भूल हो जाए, मेरे प्यारे गुरु महाराज जी, मेरी प्यारी सा संगत जी, मुझे माफ़ करना, मुझे क्षमा करना, और मैं वही बोलूँगा जो मेरे प्यारे गुरु महाराज जी बुलवाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे, तो मेरे साथ आप भी गुरु जी का मंत्र जाप करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की आज्ञा लेकर ये सत्संग शेयर कर रहा हूँ। गुरु जी के बहुत सत्संग आ गए, गुरु जी ने मुझे डांटा भी है, बहुत डांटा है गुरु जी ने। एक मैसेज मेरे पास 2-3 बार आ गया है, तो गुरु जी की आज्ञा लेकर मैं ये सत्संग शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, मेरा सत्संग मेरी सिस्टर की बेटी के पेट में जो है, पित्त की थैली में उसके पथरी थी, 22 mm की पथरी थी, परेशान रहती थी वो। आप जानते हो संगत जी, पित्त की थैली का बिना ऑपरेशन के पथरी का इलाज नहीं है। तो जब से गुरु महाराज जी ने हमें अपने से, आपसे जोड़ा है, जब से हम बड़े मंदिर जाने लगे हैं, मेरी सिस्टर की बेटी भी जाती है, तो उसने जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद जब से शुरू किया है, तो संगत जी हमने अभी, हमको गुरु जी से जुड़े हुए अभी साल हुआ है। वैसे तो गुरु जी ने हमें पता नहीं कितने जन्मों से अपने चरणों से लगा रखा है संगत जी। तो अभी हमने जुलाई मंथ में उसका अल्ट्रासाउंड कराया, तो उसमें पथरी नहीं थी, पित्त की थैली खाली पड़ी हुई थी। डॉक्टर ने बोला जी कोई पथरी नहीं है आपके, तो क्लियर है, पित्त की थैली आपकी क्लीन है। तो मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया, बहुत शुक्राना किया दिल से मैं, गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना आपका। और संगत जी, जब मेरे साथ जाने लगी थी, मेरे क्या गुरुजी ने जब से अपने आप से जोड़ा उसको, तो मैंने उसको कुछ टाइम बाद ही बोल दिया था, तेरे जो पथरी बताती थी वो पथरी अब नहीं है। तो गुरु महाराज जी वही बात हुई, उसके कोई पथरी नहीं, कुछ नहीं, नॉर्मल रिपोर्ट आई। अभी काफ़ी उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, बहुत बीमार रही वो। मैंने गुरुजी से अरदास करी, बहुत अरदास करी गुरुजी से, मैंने कहा इसकी सारी रिपोर्टें नॉर्मल आएँ, कोई ऐसी बीमारी ना हो जो सर्जरी करानी पड़े। पर गुरु महाराज जी ने मेरी लाज रखी, मेरा विश्वास टूटने दिया गुरु महाराज जी ने। उसकी सारी रिपोर्टें नॉर्मल आईं, और जो हम सोचते थे वो ऐसी कोई उसके अंदर बीमारी नहीं हुई। अब धीरे धीरे एक्चुअली ट्रीटमेंट चल रहा है, तो रिकवरी हो रही है धीरे धीरे, आराम है उसको। तो हम उसको मेडिसन गुरुजी के जल प्रसाद से दिलवाते हैं, गुरुजी के बड़े मंदिर से लोटा ब्लेस भी करा के लाए, तो आधा जल जो है वो अपनी बोतल में डाल लेती है, आधे जल से नहा लेती है। तो संगत जी, ऐसे हमारे प्यारे गुरु महाराज जी हैं, गुरु महाराज जी ने बहुत चमत्कार करे हैं हमारे साथ, हमारे साथ के सभी के साथ करते हैं गुरु महाराज जी। बस अरदास सच्चे मन से
और सच्चे दिल से होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए गुरुजी से। संगत जी, मैं जब भी घर से निकलता हूँ, घर से गुरुजी को साथ लेके जाता हूँ, घर से निकलते ही मुझे 777777 की ब्लेसिंग गुरुजी महाराज। मैं जहाँ जॉब करता हूँ वहाँ पहुँचते पहुँचते मुझे सारी ब्लेसिंग दे देते हैं गुरु महाराज जी, और बटरफ्लाई तो इतनी सारे दर्शन देते हैं गुरु महाराज जी। बहुत संगत जी, ऐसे प्यारे गुरु महाराज जी हैं हमारे, बहुत अच्छे हैं, सच्चे हैं। बस अपने भाव अच्छे रखो, गुरु जी से प्यार करो। तो हमें गुरु महाराज जी ने अभी जो शिवरात्रि गई है 2 तारीख को बड़े मंदिर बुलाया, हम बड़े मंदिर गए, गुरु जी से अरदास करी थी हमने घर से निकलने से पहले। गुरु महाराज जी हमें अपने चरणों में बिठालना, हमको ब्लेस भी करना। संगत जी, हम घर से निकले, घर से निकलते फिर गुरु जी ने हमको 777777 की ब्लेसिंग दी, बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए गुरु महाराज जी ने। बड़े मंदिर पहुँचे हम, बड़े मंदिर हमने दर्शन करे गुरु महाराज जी, बहुत अच्छे दर्शन हुए। गुरु जी ने अपने चरणों में दरबार में बिठाला हमें। हमने अपने जाने अनजाने में किए गए गुनाह की नाक रगड़ के हमने माफ़ी मांगी गुरु महाराज जी से। कोई जाने अनजाने में गुनाह करा, कोई पाप करा, गुरु जी हमें क्षमा कर देना। हम नादान हैं, मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं। आप तो ज्ञान के सागर हो, बख्शनहार हो गुरु महाराज जी। अंदर दरबार में गुरु जी ने बिठाला हमको काफ़ी देर, अच्छे दर्शन हुए गुरु जी के। दर्शन करके हमने लंगर प्रसाद किया। संगत जी, हम निकलने से पहले ही गुरु जी ने बारिश जलबरसा करा दी थी। हम निकले तो मौसम एकदम बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक ठाक ले गए थे गुरु महाराज जी। ठीक ठाक हमको दर्शन करा के घर भी वापस ले गए, कोई परेशानी नहीं हुई। संगत जी, सत्संग तो बहुत है, मेरे को याद नहीं आ रहे, बहुत सत्संग हैं गुरु जी महाराज के। हर रोज़ आए दिन सत्संग होते हैं। मैं तो यही कहूँगा अपनी प्यारी साथ संगत जी से, संगत जी गुरु जी को सच्चे मन से सच्चे दिल से याद करो, अरदास करो, हमेशा उनके चरणों में ध्यान लगाओ, मंत्र जाप करो, गुरुवाणी सुनो, जितना हो से नाम जाप करो, मंत्र जाप करो, गुरु जी को याद करते रहो। हमारे प्यारे गुरु महाराज जी किसी न किसी रूप में आके हमें दर्शन देते हैं। संगत जी, सत्संग तो और मुझे याद नहीं आ रहा, और भी लंबा हो जाता सत्संग, पर मुझे याद नहीं आ रहा है। संगत जी मुझे माफ़ करना, सत्संग में कोई गलती होगी हो तो। गुरु महाराज जी, संगत जी, मैं गुरु जी महाराज का ये सत्संग यहीं विराम लगाता हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबका भला करें गुरु महाराज जी, सबके घर में खुशियाँ दें, सबके कष्ट काटें। जो आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करती हैं उनको बहुत बहुत ब्लेसिंग दें, और सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच अंकल जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि गुरु जी हमारे साथ कितने मिरेकल्स करते हैं। हम गुरु जी का लोटा ब्लेस करके भी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हैं, अपने हेल्थ इश्यूज़ को ठीक कर सकते हैं। रोज़ गुरु जी का जल प्रसाद, लंगर प्रसाद लेने से भी हमारी आधी हेल्थ इश्यूज़ ठीक हो जाते हैं। हमारी अरदास गुरु जी हर पल पूरी करते ही रहते हैं। गुरु जी हम सबका ख्याल रखते हैं। हम गुरु जी के गुरु परिवार का हिस्सा है, इसलिए गुरु जी हमारा ख्याल तो हर बार ही रखते हैं। हमें अपनी प्रेजेंस हर बार फील कराते रहते हैं। इससे बड़ी खुशी हमें क्या मिलेगी कि गुरु जी हर पल हमारे साथ ही हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।